अफगानिस्तान में तालिबान का खौफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसका असर अफगानिस्तान के साथ साथ सभी पड़ोसी देशों में मौजूद अफगान नागरिकों पर भी नजर आ रहा है। बंगाल के रानीगंज में रह रहे अफगानी नागरिकों ने भारत सरकार से अपने रिश्तेदारों को बचाने की गुहार लगाई। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत में रह रहे अफगानिस्तानी अपने परिजनों के लिए चिंतित नजर आ रहे हैं। बंगाल के रानीगंज में रह रहे अफगानियों ने बताया कि इंटरनेट बंद होने से परिजनों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। वो जिंदा बचे हैं या तालिबान ने उन्हें मार दिया ये भी पता नहीं। हम लोग को मालूम नहीं है, किस हालत में है, अब बंद है, टेलीफोन बंद है, कनेक्शन बंद है, हम लोग को कोई मालूम नहीं है, कोई कैसा होगा कैसा नहीं होगा, जिंदा है मरा है कैसा है। कादिर खान भी पिछले 50 साल से रानीगंज के हिल बस्ती इलाके में रहते हैं, यहाँ अपना कारोबार करते हैं। कादिर ने बताया कि जब से सुना है कि तालिबानी आ गए हैं तब से नींद और भूख गायब है। परिस्थिति है ना, तो टेंशन में है, सबको जितना काबल का आदमी है सब टेंशन में है। देखो ये हम नींद का गोली लाया, कल नींद का टेबलेट खा रहा, इतने टेंशन में है। तालिबान के कब्जे से पहले ये अपने परिवार से मिलने अफगानिस्तान चले गए थे, लेकिन अब अफगानिस्तान में जो हालात हैं उससे इनको पता ही नहीं कि कब अपने वतन लौट पाएंगे और अपने रिश्तेदारों से मिल पाएंगे। तालिबान मुद्दे पर AIMIM चीफ ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं लेकिन इन्हें अफगानिस्तान की चिंता है। तालिबान राज आने के बाद से ही अफगानिस्तान में महिलाओं पर जुल्म बढ़ गया है। महिलाओं पर सितम की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। भारत भी अफगानी महिलाओं पर बेरहमी से परेशान है, लेकिन AIMIM चीफ ओवैसी ने इसी को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को यहाँ की महिलाओं पर जुल्म नहीं दिखता, लेकिन सरकार को अफगानी महिलाओं की चिंता सता रही है। वहाँ की फिक्र है उनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा, अरे यहाँ नहीं हो रहा। हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर खत्म खत्म कर दिया। महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं, वहां पे पूरा वहां पे। ओवैसी ने कहा कि सरकार यहाँ की महिलाओं पर कुछ नहीं बोलती। ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि ओवैसी को महिलाओं और उनके समुदाय की सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान भेजा जाए। बेटर टू सेंड ओवैसी टू अफगानिस्तान टू प्रोटेक्ट देयर वुमेन एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी। अफगानिस्तान में भारत के दो कॉन्सुलेट की तलाशी ली गई है। खबर यह है कि ISI के कहने पर तालिबान ने इन कॉन्सुलेट्स की तलाशी ली है। तालिबान एक और कह रहा है कि भारत अफगानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स चालू रखे, नई सरकार सहयोग करेगी, लेकिन अपने आतंकी भाई पाकिस्तान के इशारे पर वो काम करना नहीं छोड़ रहा है। अफगानिस्तान में भारत के दो कॉन्सुलेट की तलाशी ली गई, कांधार और हेरात कॉन्सुलेट की तलाशी हुई। खबर है कि ये तलाशी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर की गई है। काबुल में भारतीय दूतावास को भी तालिबान ने घेरा हुआ है। इसी बहाने ISI ने भारत के सीक्रेट दस्तावेज खंगालने को कहा है। इस तलाशी के पीछे क्या कारण हो सकते हैं वो भी संभावनाएं जान लीजिए। ISI ने भारतीय दूतावास और कॉन्सुलेट पर नजर रखने की बात कही होगी, इसलिए भारत के दोनों कॉन्सुलेट की तालिबान ने छानबीन की। ISI भारत की सीक्रेट जानकारी हासिल करना चाहती है। दूतावास से जानकारी जुटाकर बड़ी घटना को अंजाम देने का प्लान हो सकता है। भारत अफगान के मजबूत रिश्तों पर पाकिस्तान पहले से ही परेशान रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हक्कानी नेटवर्क के लगभग 6000 कैडर ने काबुल पर कब्जा कर रखा है। इनका नेतृत्व आतंकवादी समूह के प्रमुख और तालिबान का उपनेता सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई अनस हक्कानी कर रहा है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।